हेलो दोस्तों, आद्यास क्रिएशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कड़ी पत्ते का पाउडर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। आपको पता है कि कड़ी पत्ता हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अक्सर क्या होता है, खाने में जब भी हम कड़ी पत्ते को डालते हैं तो खाते वक्त उसको साइड में निकाल के रख देते हैं, इससे उसका पूरा पोषण नहीं मिल पाता है। तो आज उसका पाउडर कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। कड़ी पत्ते को अच्छे से पानी में धो के एक कॉटन के कपड़े के ऊपर मैंने इसे सूखने के लिए डाला है। डंठल को अलग करके रखा है। पाउडर करते वक्त डंठल का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन ये डंठल को फेंकना नहीं है, इसका उपयोग हम रसम, सांभार या चटनी बनाते वक्त कर सकते हैं। कड़ी पत्ते के अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं रहना चाहिए। चलिए अब देखते हैं पाउडर कैसे बनाते हैं। कड़ी पत्ते को एक कढ़ाई के अंदर एक मीडियम आंच पर करारा होने तक भून के लेना है। कड़ी पत्ते के अंदर से पूरा नमी निकलना चाहिए। कड़ी पत्ते को काले नहीं करना है, हल्का सा रंग बदल जाएगा लेकिन जलाना नहीं है। कड़ी पत्ता हमारे इंडियन कुजाइन या इन भारतीय व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा है। न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कड़ी पत्ते का सेवन हर रोज़ हमें करना चाहिए। उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव हेल्थ, पाचन क्रिया बढ़ाने में कड़ी पत्ता बहुत हेल्प करता है। ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी कड़ी पत्ते बहुत हेल्प करता है। उसी के साथ कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी कड़ी पत्ते का उपयोग किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारी सेल हेल्थ के लिए भी कड़ी पत्ता बहुत अच्छा है। कड़ी पत्ते का हर रोज़ सेवन करने से बाल झड़ना, सफ़ेद पड़ना, वो सब बंद हो जाता है। कड़ी पत्ते को नारियल के तेल के तेल में उबाल के उसको ठंडा करके उसका नियमित तरीके से बालों में लगाते हैं तो हमारे बाल काले घने हो जाते हैं। ये देखिए, 5 मिनट से लगातार मैं भून रही हूँ। ऐसे हाथ में ले के देखना है, आसानी से पाउडर होना चाहिए। अभी भी इसमें थोड़ा सा नमी है, इसलिए और थोड़ा देर भूनना पड़ेगा। ये देखिए, आसानी से पाउडर हो रहे हैं। तुरंत कढ़ाई से न निकालते हुए गैस बंद करके कढ़ाई के अंदर ही छोड़ना है, और पूरा ठंडा होने के बाद मिक्सी में इसको पीस के लेना है। ये देखिए कितना अच्छा सा पाउडर बना है, और खुशबू तो इतना अच्छा आ रहा है कि इसको एक एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं। 15-20 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप फ्रिज के अंदर स्टोर करेंगे तो महीने भर भी आप रख सकते हैं। अब चलिए तड़का बना के उसको कैसे डालना है मैं दिखाते हूँ। एक पैन में थोड़ा सा तेल लिया है, और नॉर्मली हम तड़के में जो चीज़ें डालते हैं, राई, जीरा, हींग, हल्दी, वो सब डाल के कड़ी पत्ते को डालते वक्त कड़ी पत्ते का पाउडर डालना है। तो ये लीजिए, तड़का तैयार है। आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।